टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ मसल्स। तो हम जान रहे हैं कि सर हमारी मसल्स जो है वो तीन प्रकार की हो गई, क्योंकि हम लोकेशन को ही प्रेफर करने की बात कर रहे हैं। अगर तीन टाइप की बात आती है, सवाल ध्यान से पढ़िएगा जरूर, मसल्स आर क्लासिफाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑल ऑफ द अबव, मतलब लोकेशन भी है, अपीयरेंस भी है और रेगुलेशन भी है। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पष्ट कर दिया जाए कि मसल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स एंड दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ, तो आप सिर्फ एक ही आंसर कर पाओगे, दैट इज लोकेशन। क्लियर? आपके एनसीईआरटी में दोनों लाइन एकदम स्पष्ट लिखी हुई हैं। हम लोग शायद समझने में गलती कर देते हैं। तो तीन नाम की बात करें। सबसे पहला नाम है स्केलेटल मसल। स्केलेटल को ही हम लोग नाम देते हैं स्ट्राइप्ड, इसी को नाम देते हैं स्ट्राइटेड, इसी को नाम देते हैं वॉलेंट्री मसल्स। तो पहले हम तीनों मसल्स के बारे में आपको आउटलाइन पढ़ा पाएंगे, फिर आपके सिलेबस में सिर्फ यही मसल फुल डिटेल में है, वो दोनों मसल फुल डिटेल में नहीं है आपके पास, इसलिए उसको लेकर कोई क्वेरी मत रखिएगा कि नहीं वो भी हमारा पढ़ने का मन है, तो वो आपके स्टैंडर्ड में बिल्कुल नहीं है। तो हम पहले तीनों को हम बता दें डिफरेंस के नाम पे आउटलाइन। तो जैसे एक नाम यहां पर दे रहे हैं हम लोग स्केलेटल, तो जाहिर है ये एक ऐसी मसल होती है जो हमारे शरीर में स्केलेटन से रिलेटेड होती है, बोन या कार्टिलेज से रिलेटेड होती है, ये स्केलेटल है। रिलेटेड का मतलब कनेक्ट होती है। जैसे हमारी ये बाइसेप्स मसल है, देखिए ना, बोन से कनेक्ट है। कोई भी स्केलेटल मसल आप ढूंढोगे, दैट इज ऑलवेज कनेक्टेड विद सम स्केलेटन, इधर ऑन वन साइड और बोथ साइड। बट साइंस में एक्सेप्शन जरूर होना चाहिए, वो साइंस की ऑथेंटिसिटी कहलाता है। तो कोई ऐसे मसल्स का नाम बताइए जो स्केलेटल तो हो लेकिन बोन से ना जुड़ी हुई हो, दैट इज टंग। आपके जबान की जो मसल्स है स्केलेटन, लेकिन वो हायॉर्ड बोन से नहीं जुड़ी है, उसके पहले ही खत्म हो जाती। दूसरी मसल है आपके ईसोफेगस की मसल। ईसोफेगस में भी स्केलेटल मसल पाई जाती है, एलिमेंट्री कैनाल का वही हिस्सा है जहां स्केलेटल है, नहीं तो सब जगह स्मूथ है। तो ये दो बड़े कॉमन एग्जाम्पल हैं जहां हम कहते तो स्केलेटल मसल है लेकिन स्केलेटल से नहीं जुड़ी होती, हम उसे कंसीडर नहीं कर रहे हैं। हम अपनी ही बात कहने पर राजी हैं कि स्केलेटन से जुड़ी जरूर होगी, इससे इन्वॉल्व प्राइमरली रिलेटेड विद लोकोमोशन। जो स्केलेटन से जुड़ा होगा, क्योंकि अभी लिखा तो आपने लोकोमोशन का मतलब क्या हुआ, नर्वस, स्केलेटल और मस्कुलर, टिश्यू है तो न्यूरॉन का रिश्ता होगा ही होगा। प्राइमरली इस मसल का काम हमारे शरीर में लोकोमोशन, जब हम यहां से चल के यहां तक जाते हैं तो यस वजह यही है। खाली यही नहीं, हम अपना पोस्चर चेंज करें, अगर हम ऐसे हो जाए तो ये पोस्चर बदले, या हम किसी सिटिंग पोस्चर पे आ जाएं तो यहां भी स्केलेटल मसल नहीं रोल निभाया। अभी आप खड़े हो जाओगे तब भी स्केलेटल मसल ही आपको खड़ा करेगी। तो दोनों बातें प्राइमरली रिलेटेड विद लोकोमोशन एज वेल एज चेंज इन द बॉडी पॉस्चर। सर इनके डायग्राम को कभी आप देख पाए, अभी तो डिटेल में जब पढ़ेंगे तो ये दिखेगा आपको काफी साफ, जैसे ये हमने दिखाया। तो पहली बात, यहां पर जब स्ट्रक्चर आप देखें तो ये मल्टी न्यूक्लिएट नजर आएगा। इस मसल फाइबर में खास बात होती है, एक न्यूक्लियस नहीं होता, उसकी वजह अभी हम बता देंगे आपको। लेकिन दूसरा इसमें अहम बात आपको देखनी चाहिए कि जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे इसको देखना शुरू करोगे, यू फील लाइक दिस, इसके अंदर ऐसे ऐसे बैंडिंग पैटर्न पाया जाएगा। सर कहीं कहीं गाढ़ा होगा और कहीं हल्का होगा, लाइक एंड सो ऑन। ये इसकी सबसे खास बात है। तो हम लोग इनको नाम देते हैं कि भाई जो गाढ़ा गाढ़ा सा दिखाई देगा कहते हैं हम लोग भाई डार्क बैंड है ये। हम आगे चल के इसी का नाम हम लोग ए बैंड कर देंगे। क्यों करेंगे, सारी बातें करेंगे, बट थोड़ा स्टिल वेट। सर दूसरा वाला हिस्सा जो होगा वो लाइट बैंड कहलाएगा, हल्का दिखाई दे रहा है दिस, इसको हम लोग आई बैंड भी कहा करते हैं। द टर्म इज स्ट्राइप्ड, पट्टियां या धारियां जैसा दिखाई दे रहा है, इसलिए हम इसको स्ट्राइप्ड या स्ट्राइडेटेड मसल्स भी कहते हैं। अपीयरेंस
दूसरा पॉइंट आ गया भाई, लोकेशन के आधार पे ये नाम रखा हमने, अपीयरेंस के आधार पे ये नाम रखा, तीसरा नाम तो वॉलेंट्री है एंड इट्स कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इज अंडर कंट्रोल ऑफ आवर विल, हमारी इच्छाओं पे निर्भर करता है, जब हम चाहेंगे तभी ये मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगी, अपने आप नहीं चलने लगे कि चलते चलते यहां चले आए तो सोचे ये कैसे चले आए। कई बार लोग कहते हैं क्या जबान है फिसल गई हमारी, मुंह से गलती से निकल गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपकी जबान कभी फिसलती नहीं है, वो लगता ऐसा है कि स्लिपरी है, फिसलती उसलती नहीं है। जो शब्द आपकी जबान से निकलते हैं वो पूर्व चयनित तो होते हैं, एक आपके दिमाग में हिस्सा होता है ब्रोका एरिया, वो इनको कमांड देता है कि भैया यही यही नवाजो शब्दों को, और उनको कमांड कौन देता है, आपके ब्रेन में एक रिंकेज एरिया होता है, तो वो तय करता है कि सामने वाले व्यक्ति को हम क्या समझते हैं और उसी के अनुसार, उसी समझ के अनुसार हम शब्दों का चयन करते हैं। जैसे इस समय मेरे उस रिंके एरिया को एहसास है कि मैं अपने बच्चों के सामने खड़ा हूं, तो वो सही सही शब्दों का चयन कर रहा है, ऐसे शब्द भी बीच में बोल रहा हूं जो हमारी बोलचाल की भाषा में सामान्यतः मेरी में भी नहीं है, लेकिन उसको पता है कि मैं बच्चों के सामने बोल रहा हूं तो सही सही साफ शब्द बोलूं, तो वो कमांड ब्रोका एरिया को दे रहा है और ब्रोका एरिया टंग को वो ऑर्डर कर रहा है कि ये बोलो, साहब का आदेश आया है तो वही सही बोल रहा है। सर आप कहते हो हमारी जबान फिसल गई, हमारी तो नहीं फिसल रही है, किसी की नहीं फिसलती है, अगर आप किसी को गलती से कुछ कह देते हैं तो वो उस एट दैट टाइम का इंटरप्रिटेशन होता है, आपको बुरा लगा होता है, मन के अंदर कोई भड़ास होती है, वो फिर आप निकाल लेते हो। तो कोई भी अच्छा बुरा शब्द आप बोलते हैं ये पूर्व चयनित होते हैं, अपने आप जबान कभी बोलती ही नहीं। तो अगर आपने तय किया है कि हम बिल्कुल बढ़िया बढ़िया शब्दों से सामने वाले को नवाजने वाले हैं तो वो सब शब्द पहले से चयन है, इसे जबान को दोष मत दीजिए, स्केलेटल मसल है। हाँ अगर स्मूथ मसल होती तो कहते भैया निकल गया, तो ऐसा है नहीं। क्लियर? तो इतनी ही बात आपको समझ के रखनी थी, चार पॉइंट है रिलेटेड टू द स्केलेटन ऑफ द बॉडी, रिलेटेड टू द स्केलेटन ऑफ बॉडी। नेक्स्ट, मल्टी न्यूक्लिएट नेक्स्ट हैज ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड, पैटर्न आ गया, हैज ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड। नेक्स्ट, इट्स कॉन्ट्रैक्शन इज अंडर कंट्रोल ऑफ, इट्स कॉन्ट्रैक्शन इज अंडर कंट्रोल ऑफ, अंडर कंट्रोल ऑफ विल, विल मीन्स इच्छा, डब्ल्यू आई डबल एल, तभी हमने वॉलेंट्री कहा। नेक्स्ट, प्राइमरली रिलेटेड विद, primarily related with, locomotion, locomotion and change in body posture, change in body posture, primarily related with locomotion एंड चेंज इन बॉडी पोस्चर। थोड़ी बातें हम और करना चाहते हैं इसके बारे में, तब हम अपने अन्य दो टाइप पर जाएंगे, क्योंकि जितना इस आउटलाइन स्ट्रक्चर में पढ़ना है वो जान लिया। सर डार्क बैंड में लाइट बैंड जो हम लोग देख पा रहे हैं ये तो हम आगे जब अल्ट्रा स्ट्रक्चर आपको पढ़ाएंगे तब दिखाई देगा। हमने ये जो नाम लिखा था ये मसल फाइबर के लिए लगा हुआ है, मसल फाइबर,
लेकिन हम क्या करते हैं यहां पर, अगर हम अपनी मसल को फाइबर को देखना चाहें इस जगह पे, तो मसल फाइबर पढ़ते हुए जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी में बदलाव कर देते हैं। मल्टीन्यूक्लियेट पाया जाना वो तो एक कॉमन सी बात है, वो ठीक है, लेकिन जब मसल्स पढ़ते हैं तो उनमें कुछ शब्दों को हम बदल लेते हैं। जैसे हम आपको बता दें, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती होगी। हमेशा कहते हैं सेल है तो क्यों नहीं कहोगे आप, तो सर इसका नाम जो जानते हैं सार्कोलेमा हो जाएगा। सार्कोलेमा हम इस टॉपिक में यही कहा करेंगे। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है या प्रोटोप्लाज्म आप नाम दे रहे हो सर, इसे हम लोग नाम दिया करते हैं सार्कोप्लाज्म। सेल है तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता होगा ना, बिना इसके कैसे सेल हो सकती है। सर इसका नाम रखने जा रहे हैं हम लोग सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर साइटोलॉजी आप ढंग से पढ़ रहे हैं तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। यहां कैल्शियम आयन स्टोर रहता है क्योंकि मसल फिजियोलॉजी में कैल्शियम आयन का बड़ा रोल है। आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए ना तो मसल क्रैम्प होना शुरू हो जाता है। कई बार लोग कहते नहीं कि रात में पिंडलियों में बहुत दर्द कर रहा है, तो डॉक्टर अक्सर इन सब जगह पर कैल्शियम की गोलियां लिख देता है। कुछ है रिश्ता, वो आगे दिख जाएगा क्या रिश्ता है, लेकिन कैल्शियम का स्टोर हाउस है। इसमें एक नाम और है हमारे पास, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता होगा M4, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया होगा और हम माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया ही कहते हैं आज तो यही कहते हैं, लेकिन पहले हम ये जानते ही नहीं थे क्या है। जब हम माइक्रोस्कोप से देखते थे तो छोटा सा डॉट नजर आता था, तो इसका लोगों ने पहले नाम रखा था सार्कोसोम। तो ये चार नाम हम आपसे चाहते थे कि जब हम पढ़ाएं मसल्स तो आप अवेयर रहें, सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सार्कोसोम। अब तो सार्कोसोम नहीं कहना है, कहना माइटोकॉन्ड्रिया है। लेकिन ये पॉइंट है कि मल्टी न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर ये पीछे लिखा आपने, और हम मल्टी न्यूक्लियेट के आगे अगर हम एक शब्द और आपसे बोले सिंसाइटियम तो शायद आप पूछेंगे भी नहीं हमसे, क्योंकि जब आप बॉटनी में लोअर प्लांट्स पढ़ते हैं तो ये बात आ जाती है। जहां मल्टी न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर है या तो वो सिनोसिटिक होता है या वो सिंसाइटियल होता है। सिनोसिटिक हम तब कहते हैं जब हमारे पास कोई एक न्यूक्लियस ही डिवाइड करता हुआ बड़ा हो जाता है, कई सारे न्यूक्लियस हो जाते हैं। लेकिन सिंसाइटल हम तब कहते हैं जब इट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ मेनी सेल्स, जैसे एक सेल ये, फिर दूसरी सेल ये, तीसरी सेल ये, ऐसे थी। तो इसके सबके अंदर न्यूक्लियस था, और बाय द वे ये बीच वाला सेप्टा जो था वो गायब हो गया। ऐसा कहीं अपीयरेंस आता है तो उसे कहते हैं सिंसाइटल। तो हमारी जो मसल फाइबर है इट इज ए सिंसाइटियल मल्टी न्यूक्लियेट फॉर्म्ड बाई मायोब्लास्ट। ये मायोब्लास्ट थे जो छोटे वाले, तो मैं यही बोलने जा रहा हूं, कहने जा रहा हूं कि दस यही पढ़ रहे हैं आप, स्केलेटल मसल फाइबर इज ए सिंसाइटियल स्ट्रक्चर, मल्टी न्यूक्लियेट हो चुका है, फॉर्म बाई मिनी मायोब्लास्ट हैविंग सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। चलेगा ना इकट्ठे, कौन अलग अलग बैठ के लिखा है, एक ही लाइन में लिख लीजिए। सिंसाइटियल स्ट्रक्चर, सिंसाइटियल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय मिनी मायोब्लास्ट, मिनी मायोब्लास्ट नेक्स्ट हैविंग सार्कोलेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहा है, सार्कोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया
माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम कहते हैं पहले, अब नहीं, लेकिन जान ले कभी कोई कह दे। एंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन हमारे इस पॉइंट को बहुत ध्यान से रखिएगा जब तक हम आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा ना ले जाएं, कि कैल्शियम की जरूरत पड़ने वाली है और वो हमारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, कह दीजिएगा सर, उसमें पाया जाता है। अब इसमें एक पॉइंट और याद करिए, ये जो सार्कोप्लाज्म हमारे पास यहां पर है, इसके अंदर कई प्रकार साइटोप्लाज्म है, तो बहुत सारे सॉल्युबल और बहुत सारे इनसॉल्युबल प्रोटीन्स पाई जाती हैं, तो कई सारी प्रोटीन है, हमें सबकी जरूरत नहीं है। इस सार्कोप्लाज्म के अंदर एक हमें प्रोटीन चाहिए जो आपने सुनी होगी, एंड दैट इज अ मायोग्लोबिन। नहीं सुनी है तो सुनी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप हीमोग्लोबिन पढ़ रहे होंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में तो यह नाम आया होगा। मैं याद दिला रहा हूं, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व के वक्त आया होगा। हीमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग कॉन्जुगेटेड प्रोटीन था, हीमोग्लोबिन। एक हीमोग्लोबिन में चार आयरन थे, एक बार में एक हीमोग्लोबिन चार मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से जुड़ता था। हम ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व बनाते थे तो सिग्मोइड कर्व आया करता था। मायोग्लोबिन सुन ले सर, ये भी आयरन कंटेनिंग कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, पर डिफरेंस है चार नहीं है, एक, यहां सिर्फ एक आयरन पाया जाता है। और अगर एक आयरन पाया जाता है तो कितने मॉलिक्यूल से जुड़ेगा? एक, यस, एक ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से जुड़ेगा। लेकिन अगर इसका डिसोसिएशन कर्व बनाएंगे तो कर्व इज हाइपरबोल। ये तीन पॉइंट पुराने हैं, आज का पॉइंट नहीं है, कि मायोग्लोबिन इज फाउंड इन द सार्कोप्लाज्म ऑफ द स्केलेटल मसल फाइबर, इज अ आयरन कंटेनिंग कॉन्जुगेटेड प्रोटीन having single iron, an ability to bind with a single oxygen molecule, and its dissociation curve appears as a hyperbole. हमारी यहां जरूरत कुछ और है। हम लोग कहने ये चाह रहे हैं यहां पर कि जो मायोग्लोबिन यहां पर है, it binds with oxygen. ये तो विश्वास करेंगे ना, ऑक्सीजन के साथ ये जुड़ता है। लेकिन सर, ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी इसकी हीमोग्लोबिन की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। अंदाजा मत मारा करो कि जो आए बोल दें, बहुत ज्यादा होती है। एफिनिटी ऑफ मायोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन इज मच मच हायर देन दैट ऑफ द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन। अब याद दिला दूं मैं आपको, जब आप टिश्यूज में पढ़ा करते थे, टिश्यूज, अभी मैं मिटा दूंगा इसको, यहां बता सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता था? बहुत सही, अच्छे, उन्नति करोगे आप। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो था वो 40 था, CO2 45 था। तो जब आप यहां से 97% ऑक्सीहीमोग्लोबिन लंग से लेकर आते थे तो इस जगह पर आकर के 27% ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएट हो जाता था सामान्यतः, और उसके बाद यहां से निकल जाते थे 70%। मींस कहने का ये है कि जब हम 40 mmHg पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है तो 27% हीमोग्लोबिन अपनी ऑक्सीजन को छोड़ देता है, क्योंकि यही था पॉइंट, एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन प्राइमरली डिपेंड्स ऑन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। याद दिलाना पड़ रहा, बहुत लोग का चेहरा साथ नहीं दे रहा है कि सर जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन था लंग्स पे आइए, 95 mmHg था, वहां देखे 97% हो गया था। जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन था उतनी ज्यादा सेचुरेशन, तो जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन घटता है तो ये सर टूट जाता है। सर जिस पार्शियल प्रेशर पे ये टूट जाता है उस पार्शियल प्रेशर पे भी मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को दम पकड़ के रखता है, बहुत मजबूत, छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। इसी पॉइंट को लेकर विश्वास से कह रहे हैं एफिनिटी बहुत ज्यादा है, जिस जगह पर आप इसको नकार देते हो उस जगह पे हम गले लगाए बैठे तो आकर्षण किसमें ज्यादा है? मायोग्लोबिन। ये स्टेटमेंट है, लिख के आता है कौन सा स्टेटमेंट गलत है या सही है, उसी का सवाल है ये, कि मायोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन से ज्यादा है कैसे प्रमाणित हुआ?
वो प्रमाणित इससे हुआ कि जिस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर हीमोग्लोबिन अपनी ऑक्सीजन को छोड़ देता है, डिसोसिएट कर देता है, उस पर मायोग्लोबिन बहुत मजबूती से जुड़ा रहता है. दैट प्रूव्स की अफिनिटी इज मच हाई. पॉइंट इज सार्कोप्लाज्म हैज आयरन कंटेनिंग कॉन्जुगेटेड प्रोटीन मायोग्लोबिन. Having one iron which binds with a single molecule of oxygen, Next line. Affinity of myoglobin for oxygen is much high. Than that of it for hemoglobin. वो मैंने आपको प्रमाण दिया कि सर जिस जगह पर, जिस पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन पर यहां डिसोसिएशन शुरू हो जाता है, यहां अगर मायोग्लोबिन हो तो उसे मजबूती से पकड़े रखता है. और ये बहुत बड़ा प्रमाण है इसके लिए. खैर, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि जब स्केलेटल मसल फाइबर पढ़ेंगे तो मायोग्लोबिन आएगा, वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा. अब सर इसी स्केलेटल मसल फाइबर को हम आपको दो हिस्सों में बांटते हैं. छोटी सी इंडिया लेकर टाइप्स ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर. तो सर पहला नाम आता है इसमें रेड फाइबर्स, और दूसरा नाम आता है व्हाइट फाइबर्स. जो रेड फाइबर होते हैं इसी को हम स्लो फाइबर भी कहते हैं और इसी को एरोबिक फाइबर्स भी कहते हैं. जो व्हाइट है उसे हम फास्ट फाइबर भी कहते हैं और उसे एनएरोबिक भी कहते हैं. एनएरोबिक फाइबर्स, तो रेड फाइबर एंड व्हाइट फाइबर दोनों स्केलेटल मसल फाइबर है. एंड चेक द डिफरेंस. अगर हम आपको ऐसे दिखाना चाहें और सारी चीजें समान हैं, एक जैसी, उसे मैं नहीं दिखा रहा हूं. जो रेड फाइबर होती है उनमें मायोग्लोबिन बहुत ज्यादा पाई जाती है. मायोग्लोबिन बहुत ज्यादा है, तो मायोग्लोबिन अगर ज्यादा है तो आयरन ज्यादा होगा, और आयरन ज्यादा होगा तो रेड नजर आने लगेगा. और यहां पर ये नहीं कह रहा हूं कि मायोग्लोबिन नहीं होता, यहां मायोग्लोबिन जो है वो कंपेरेटिवली कम होता है. आयरन कम होगा तो हल्का सा कलर दब जाएगा, तो सफेद थोड़ी ना होता है. जो मसल फाइबर है वो पेल कलर की होती है, हल्के कलर की, तो उसकी तुलना में लोगों ने उसे व्हाइट कह दिया है. दूसरा पॉइंट आता है कि हाँ मायोग्लोबिन ही नहीं, सब माइटोकॉन्ड्रिया यानी सार्कोसोम ये भी बहुत ज्यादा होता है, और यहां माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत कम है. तो आपको लगेगा सब कम है क्या? नहीं, यहां सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम ज्यादा है. सर यही डिफरेंस है इसका, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा है. वो याद हो जाता है, व्हाइट में आयरन कम होगा तो आयरन कम के आपको रिलेट कर लीजिएगा, मायोग्लोबिन ही कम होगा. अब इसको हम लोग स्लो या एरोबिक फाइबर क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि मायोग्लोबिन अगर ज्यादा है तो ऑक्सीजन ज्यादा होगा. भाई स्टोर उसने ज्यादा कर रखा है ना. मान लीजिए 1000 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो 1000 मायोग्लोबिन है तो 1000 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होगा, और यहां 100 है तो 100 होगा. तो जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगी तो मसल कॉन्ट्रैक्शन नीड्स द एनर्जी, बिना ऊर्जा के नहीं कॉन्ट्रैक्ट कर सकते. तो अब आपके पास जब एनर्जी चाहिए तो उस एनर्जी के लिए ऑक्सीजन है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है,
एरोबिक रिस्पायरेशन की प्रक्रिया से आप अपने यहां पर एटीपी जनरेट कर लेते हो, जो एनर्जी जनरेट करते हो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, दैट इज जनरेटेड बाय द ऑक्सीजन, यूज ऑफ द एरोबिक हुआ। सर ऐसा नहीं कि यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, यहां पे ऑक्सीजन है लेकिन कम है। तो जब यहां पे हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन करना होगा तो हम पहले तो ऑक्सीजन जो है उसी को यूज करेंगे, लेकिन कितनी देर तक, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी। तो वी हैव टू मोस्टली डिपेंड ऑन एनएरोबिक प्रोसेस। यहां पर हम एरोबिक प्रोसेस लंबा कर सकते हैं, बहुत देर तक कॉन्ट्रैक्ट होती रही तब एनएरोबिक शुरू होगा, क्योंकि जब एनएरोबिक शुरू होगा तो थकोगे आप। पुरानी बातें याद है, रेस्पिरेशन के शुरू शुरू में बताया था। तो यहां एरोबिक प्रोसेस लंबा चलता है, इसलिए थकान देर में होती, कम नहीं होगी, देर में आएगी। और यहां पर एरोबिक प्रोसेस छोटा है, एनारोबिक जल्दी शुरू हो जाएगा, और जितनी जल्दी एनारोबिक प्रोसेस शुरू हो जाएगा लैक्टिक एसिड जल्दी बनेगा, थकान आ जाएगी। हम एग्जाम्पल बता दें आपको, इसका एग्जाम्पल है फ्लाइट मसल्स। चिड़िया में कभी आप फ्लाइट मसल्स पढ़िएगा, स्पैरो को मत देखिए, ईगल को देखिए। ईगल को कभी फ्लाइट करते हुए देखिएगा, वो नीचे से बड़े विंग तेज कर ले, जब ऊपर पहुंच जाती है तो ऐसे करती, एक बार यूं किया और वो दो मिनट तक ऐसे ऐसे चलती रहेगी, ऐसे फिर एक बार यूं करेगी, यूं चलती रहेगी, क्योंकि वो बहुत ऐसे ऐसे नहीं करती है, तो स्पैरो करती है। उसकी फ्लाइट मसल इतनी विकसित है कि सर उसको बहुत धीमे धीमे कॉन्टेक्ट करती है और बिना थके हुए मीलों चली जाती है। यहां से ईगल से कहिए बनारस चलना है, बिलो से ओके चलो, वो चल देगी, जाती बहुत दूर दूर तक यात्रा करती है। बुरा लग रहा है तो साइबेरियन क्रेन याद करके देख लो ना, कितने बनारस क्रॉस कराती हो, किस कॉन्फिडेंस में आती होगी, अपनी फ्लाइट मसल के कॉन्फिडेंस में आती होगी। वो अपनी जो फ्लाइट मसल्स उसको धीरे धीरे कॉन्टेक्ट करती रहती है, बिना थके हुए या लंबी समय तक यात्रा करती है। फिर जब थकती तो भी होगी, ऐसा तो ना कि थकेगी नहीं, वो थकना उसे लेकिन देर में थकेगी। और इनकी बात करके देखिए, ऑक्सीजन बहुत कम है इनके पास, तो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और थक जाएंगे ये, क्योंकि एनरोबिक प्रोसेस जल्दी शुरू हो जाएगा। इनका नाम बता दें हम आपको, इनका एग्जाम्पल है आर्बिकुलरिस ऑकुलाई, आर्बिकुलरिस ऑकुलाई आईलिड में पाई जाती है, पलकों में। तो हमारी पलकों की जो मसल्स है ये अभी ऐसे है, जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो पलकें उठ जाएंगी और खुली हुई दिख रही है। और बताओ कितनी देर खोल लोगे आप इसे, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट, आधा घंटा कर लोगे? नहीं कर सकते। वो थोड़ी देर के बाद थक जाएगी, तुरंत एक बार आराम करेगी फिर आ जाएगी। फास्ट, बहुत तेज काम करती है, और इतना फास्ट करती कि हम सर को कहीं एहसास नहीं होता कि पलके कितनी बार गिर रही हमारी। ऐसा तो है ना, हम लोग को कॉन्टिन्यूअस जो विजन दिखाई दे रहा है उसमें पलके नहीं गिर रही है, लेकिन इतना फास्ट कॉन्ट्रैक्शन करती है ये कि आपको पता ही नहीं चलता, आपके सामने जो इमेज बनी थी वही बनी रह जाती है। फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाता होगा सर। तो ये हमारे यहां फास्ट फाइबर है, लेकिन लंबे समय तक नहीं काम कर सकते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन, इजिली फटीक, दिस वन। ओके सर, हमारे शरीर में दोनों प्रकार की मसल्स पाई जाती है, रेड फाइबर भी है और व्हाइट भी है। अब ये खाली यहां व्हाइट है, थाई के बारे में देखिए, इस जगह यहां काफी मसल्स हैं, इसमें रेड फाइबर भी और व्हाइट फाइबर भी, लेकिन ईश्वर ने हमको व्हाइट फाइबर ज्यादा दिया है तो हम लोग थक जल्दी जाते हैं। अगर रेड फाइबर ज्यादा दिया होता तो हम देर में थकते। ये मसल फाइबर एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल भी होते हैं, हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करें तो रेड व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगी और व्हाइट रेड में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे हम ही में से कोई बच्चा ये तय कर ले कि हमको उसैन बोल्ट बनना है, समझते हैं? हाँ, उसैन बोल्ट कौन से रेस लगाता है, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, बस इसका मैंने दौड़ता है, क्योंकि वो शॉर्ट ड्यूरेशन की दौड़ता है, तो उसने एक दिन में थोड़ी ना सीखा होगा, तो उसने जब प्रैक्टिस की होगी तो उसकी थाई मसल्स में व्हाइट फाइबर बढ़ गई होंगी, 70-80-90% व्हाइट फाइबर, बहुत तेज दौड़ता है, 100 मीटर वो कुछ ही सेकंड में पूरा कर देता है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं याद है तो वो परेशानी की बात थोड़ी ना है। तो कुछ ही सेकंड में पूरा कर ले रहा है,
क्योंकि उसके पास वाइट बहुत फास्ट कॉन्ट्रैक्शन करता है, 100, 200, 400। लेकिन एक दूसरा एथलीट होता है, मैराथन एथलीट होता है, 35-35 किलोमीटर दौड़ता है, और उनकी रेस लगवा दो जरा उसेन बोल्ट से, वो 35 किलोमीटर दौड़ के आके ऐसे खड़ा हो जाता है, लिखो हम आ गए, ये नहीं करता है ऐसा बिल्कुल नहीं करता, बिकॉज ही हैज उसने प्रैक्टिस कर रखी, वो धीमे धीमे दौड़ता है, वो इतनी तेज नहीं दौड़ता जितनी तेज ये दौड़ते हैं, स्लो। उसकी थाइज में रेड फाइबर ज्यादा है, प्रैक्टिस। तो अगर आपकी थाइज में रेड फाइबर ज्यादा है तो काम आप आराम से करोगे, धीरे धीरे करोगे, कॉन्ट्रैक्शन जल्दी नहीं करोगे तो यू कैन मेंटेन इट, और थकान जल्दी नहीं आएगी। हमारी प्रैक्टिस खड़े होकर पढ़ाने की है तो मैं 2-2.5 घंटे पढ़ा लेता हूं, आज सुबह से 5 घंटे पढ़ा रहा हूं, लेकिन हमें थकान नहीं हुई, बिकॉज द प्रैक्टिस। हमारे पास इस जगह पर आपके तुलना से रेड फाइबर ज्यादा है, क्यों? रेड फाइबर अगर ज्यादा होंगे तो हम देर में थकेंगे, और अगर व्हाइट फाइबर ज्यादा होंगे तो हम जल्दी थकेंगे। वेट लिफ्टर को देखा है कभी? वजन उठाते हैं, बहुत भारी वजन उठाते हैं, और लेकिन ऐसा नहीं लेके पूरे घूमा करते हैं जिम में, वो आके खड़े होंगे और उठाया 5 सेकंड या 10 जो उनका ड्यूरेशन होता है, उठा के फिर छोड़ देते हैं तुरंत, क्योंकि उनको सिर्फ अपना कितना देर तक मेंटेन करना, एक बहुत स्ट्रांग फोर्स जस्ट ओनली फॉर 5 सेकंड। तो ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। लेकिन ऑन जनरल एक सवाल पूछा जाता है, आपकी मसल्स के अंदर कौन से फाइबर हैं? तो दोनों हैं। फिर एक सवाल आता है, कौन से ज्यादा हैं? तो वाइट फाइबर। फिर उसके बाद अपनी जरूरत के हिसाब से, प्रैक्टिस के हिसाब से चीजों को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर वन, रेड फाइबर, इसी को स्लो फाइबर कहते हैं, या व्हाइट फाइबर, इसे मैं लिखें, हैज अबंडेंस ऑफ मायोग्लोबिन एंड माइटोकॉन्ड्रिया Next, obtain energy mostly by aerobic process. Next, contraction by slower rate, and not fatigue easily. Example, flight muscles of birds. Next, white fibers, या pale fibers भी कहते हैं, popular white है, fast fiber, या बोलेंगे anaerobic fibers. Has lesser mitochondria, lesser myoglobin, but more sarcoplasmic reticulum. Next, obtain energy mostly by anaerobic process. Because of less oxygen, myoglobin kam hai na, because of less oxygen, so fatigue easily,
सो फटीग थक जाती हैं इजिली. नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन एट फास्टर रेट. कॉन्ट्रैक्शन एट फास्टर रेट एग्जाम्पल है ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई. ऑर्बिकुलरिस ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई जिनको ना पता हो तो ब्रैकेट में आईलिड मसल से लिख दीजिएगा. पलकों में जो मसल पाई जाती हैं वो सिर्फ व्हाइट फाइबर्स की है. यस, इसके नीचे एक पॉइंट बढ़ाएंगे. इन आवर मसल्स, जनरल पॉइंट है, इन आवर मसल्स रेड एंड व्हाइट बोथ फाइबर्स आर प्रेजेंट. रेड एंड व्हाइट बोथ फाइबर्स आर प्रेजेंट. बट मोर नंबर ऑफ व्हाइट फाइबर. पाए दोनों जाते हैं, व्हाइट ज्यादा होते हैं. नेक्स्ट थाई मसल्स. थाई मसल्स ऑफ अ मैराथन एथलीट ऑफ अ मैराथन एथलीट हैज मोर नंबर ऑफ रेड फाइबर्स. मोर नंबर ऑफ रेड फाइबर्स बट इन वेट लिफ्टर. बट इन वेट लिफ्टर मोर नंबर ऑफ यस व्हाइट फाइबर्स. तो हम शायद समझ पा रहे हैं अब स्केलेटल मसल फाइबर होती कैसी हैं. फिर वो नाम जो आगे बढ़ा दिया है रेड फाइबर एंड व्हाइट फाइबर इसी का हिस्सा है. क्योंकि जब एक बार हम स्ट्रक्चर पे चले जाएंगे ना तो लौट के नहीं आ पाएंगे, इसलिए हमने ये हिस्सा पहले पढ़ा दिया जो आपके एनसीईआरटी में एकदम लास्ट में दिया है, जहां मसल्स खत्म हुई है वहां लिखा गया है. फिर एक और चीज जरा समझ लें, जब हम मसल कहते हैं और मसल फाइबर कहते हैं तो उनमें अंतर क्या है. तो एक डायग्राम में हम आपको शो करेंगे.
ये हमने आपको एक स्ट्रक्चर ऑफ मसल बना रखा है, तो इसे आप समझेंगे सिर्फ, आपकी किताब में काफी अच्छा डायग्राम बना हुआ है, उतना अच्छा हम नहीं बना पा रहे। तो हमने ब्लू पेन से जो बना रखा है ये बना है, यहां देखें आप, ये मसल फाइबर है। फिर एक रेड पेन से सर्किल बना रखा है, इसे नाम देना मसल फेसिकुली या बंडल, और ये जो पूरा ब्लैक पेन से आउटलाइन बना रखा है वह है मसल। लुक हियर, जैसे ये पेन हमने दिखा रखा आपको ऐसे थ्रेड लाइक स्केलेटल मसल फाइबर, जिसके बारे में आपने कहा कि सर इसके सबसे बाहर की जो कवरिंग होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दैट शुड बी नोन एज एन सार्कोलेमा। तो हमने क्या करना है, पहले कई सारी ऐसे मसल फाइबर को ले लेना है, मान लीजिए हमारे पास चार हैं, तो हमने चार मसल फाइबर ले ली, और फिर हम आपसे कहें कि एक मसल फाइबर दूसरी मसल फाइबर के बीच में सर जो कुछ गैप्स आपको दिख रहा होगा, हमने नीले रंग से डॉट 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 बना रखा होगा, and that is known as a collagenous connective tissue known as an endomycium. Are you able to see the diagram? So sir, इनके बीच में muscle fibers के बीच में जो space नजर आ रहा होगा वो blue pen से हमने shade बना रखा है, उसे कहते हैं collagenous connective tissue, जिसे हम fascia कह रहे हैं। तो सवाल आया, the muscle fiber are connected by each other by endomycium होगा या collagenous connective tissue होगा। फिर ऐसे कई सारी आप जो है ये ले लिया आपने, फिर इसको सराउंड करिए, एक हम इसको अब एक गठरी में बंद कर रहे हैं सर, एक गठरी बन गई जिसमें हमारे पास चार मसल फाइबर है, 40 भी हो सकते हैं, ये गठरी का नाम कहलाता है मसल फेसिकुलाई, गठरी बंडल। तो ये मसल फेसिकुलाई 1, 2, 3, 4 या 40 भी हो सकते हैं, ऐसे कई सारे मसल बंडल आप बनाएं और उनके बीच में देखिए रेड रंग का एक शेड दे रखा होगा, दे आर इंटरकनेक्टेड बाय पेरिमाइसियम, और ऐसे जितने भी बंडल्स हैं उन सब को एक बड़े ऐसे कपड़े से हम लपेट दें, एंड दैट इज एपिमाइसियम। तो जब बड़े से कपड़े से लपेट देंगे तो जो आपको बड़ा स्ट्रक्चर नजर आएगा ना वो है मसल। तो जब हम कहते हैं हमारी बाइसेप्स, तो ये बाइसेप्स मसल है, सबसे बाहर एपिमाइसियम, इसका जब सेक्शन काटोगे तो ऐसे बहुत सारी गठरियां अंदर दिखाई देंगी, सैकड़ों हो सकती हैं मसल फेसिकुली, हर मसल फेसिकुली में सैकड़ों आपके मसल फाइबर होंगे। तो हायरार्की समझ में आनी चाहिए कि मसल के अंदर बहुत सारी मसल फेसिकुली होती हैं और मसल फेसिकुली के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर होते हैं। तो जब आपसे सवाल में मसल और मसल फाइबर और फेसिकुली कहा जाए तो उसको समझें जरूर कि क्या कहना चाहता है वो। मैं फिर से ओरल बोलने को तैयार हूं, अ मसल इज मेड अप ऑफ मेनी मसल फेसिकुली विच आर इंटरकनेक्टेड बाय कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू दैट इज पेरिमाइसियम, ईच मसल फेसिकुली हैज लार्ज नंबर ऑफ मसल फाइबर विच आर इंटरकनेक्टेड बाई अगेन कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू दैट इज एंडोमाइसियम, एंड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ए मसल इज एपिमाइसियम। ठीक, तो लिखाना तो है नहीं, क्यों लिखा इसको, तो समझ में आ रहा है ना, तीन शब्द आपको समझने थे, मसल फाइबर मिलके मसल फेसिकुलाई और मसल फेसिकुलाई मिलके मसल। तो सर हम इतना चाहते थे कि आप मसल स्केलेटल मसल जब पढ़ें तो इतनी आउटलाइन आपके पास हो, फिर जब हम स्ट्रक्चर इसका पढ़ाने लगेंगे तो यहीं से चल देंगे। दूसरा मसल देखिए, दूसरी मसल का नाम हम लोग के पास था विसरल मसल, टाइप्स ऑफ मसल पढ़ रहे थे आप, विसरल पढ़ें, अनस्ट्राइप्ड भी कह सकते हैं, अनस्ट्राइटेड भी कह सकते हैं, नॉन स्ट्राइटेड भी कह सकते हैं, या फिर कुछ नहीं कहना है तो एकदम स्मूथ कह दीजिए, चिकना कह दीजिए, और इनवॉलेंट्री भी कह सकते हैं, वो बीच में जो चार नाम आ गए वो तो बड़े सरल से हैं, नाम देखिए इन्हीं से कंपैरिजन करना है आपको। जैसे इसमें लोकेशन आपने कहा था स्केलेटन से ताल्लुक रखते हैं, वैसे विसरा का मतलब होता है इंटरनल ऑर्गन्स, जब भी कभी विसरा शब्द इस्तेमाल हो इसका मतलब शरीर के अंदर के अंग, तो ये हमारे शरीर में इंटरनल ऑर्गन्स में पाए जाते हैं,
जैसे ब्लड वेसल्स, ट्यूनिका मीडिया याद हो आपको, एलिमेंट्री कैनाल, वहां भी स्मूथ मसल्स पेरिस्टाल्सिस जब पढ़ते होंगे। तो जितने भी हमारे शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं स्केल्टन से ताल्लुक ना रखे, वो एक्सेप्शन था आपके पास ईसोफेगस, अदरवाइज पूरी आहार नाल में यही है। दूसरा शब्द है आपके पास अनस्ट्राइप्ड, अनस्ट्राइटेड, नॉन स्ट्राइटेड या स्मूथ, क्योंकि सर ऐसा अपीयरेंस नहीं है, डार्क बैंड और लाइट बैंड जैसी बात नहीं है यहां पर, एंड इट अपीयर्स लाइक दिस, ये ऐसा होता है स्ट्रक्चर, द शेप इज स्पिंडल, और इसमें न्यूक्लियस भी सिर्फ एक होता है। यहां पे कहते थे हम लोग मल्टी न्यूक्लियर, यहां पे कहते हैं यूनि न्यूक्लियर, यहां पे कहते हैं थ्रेड लाइक, और यहां पे कहते हैं स्पिंडल शेप। ब्रांचिंग तो होती नहीं कभी इन दोनों में से किसी के पास, तो इसीलिए अनस्ट्राइप्ड, नो डार्क बैंड, नो लाइट बैंड, इसलिए तीनों नाम आए स्मूथ। और कंट्रोल इसका इनवॉलेंट्री, आपके हाथ में नहीं है कि सर पेरिस्टाल्सिस शुरू हो जाओ चलो तारीफ, तो नहीं होगी, कहते नहीं बंद हो जाओ तो नहीं होगी, आपकी विल पर नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नर्वस कंट्रोल नहीं है, है नर्वस कंट्रोल, ऑटोनॉमिक एक सिस्टम है पूरा आपका, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसे हम लोग कहते हैं हमारी इच्छाओं पर नहीं होता, वो अपने आप अपनी जरूरत फिजियोलॉजी के हिसाब से बढ़ा या घटा लेता है। वंडर्स लोकेटेड इन इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट्री कैनाल, ब्लड वेसल्स, एक्सेट्रा। नेक्स्ट यूनि न्यूक्लिएट, अनब्रांच्ड, नेक्स्ट नो डार्क एंड लाइट बैंड, नो डार्क एंड लाइट बैंड, इसलिए इसने आपने स्मूथ कहा। नेक्स्ट इट्स रेगुलेशन इज नॉट अंडर विल, हमारी इच्छा पर इसका रेगुलेशन नहीं है। तो जी हमें यही चार पॉइंट जानने थे, वो भी चारों इसके कंपैरिजन में, ना उसके हम और डिटेल में आगे बढ़ रहे हैं, ना जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन जैसे इसका प्राइमरी फंक्शन था लोकोमोशन एंड चेंज ऑफ द बॉडी पोस्चर, इसका उससे कोई लेना देना नहीं। इट इन्वॉल्व इन द इंटरनल बॉडी फंक्शन, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में इट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द ब्लड, डाइजेस्टिव सिस्टम में इट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द फूड, ऐसे यूरिनरी सिस्टम में इट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द यूरिन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ गैमेट या एम्ब्रियो। तो वो जिस जगह पर है उसी के करस्पॉन्डिंग उसके फंक्शन है, लेकिन उसका ताल्लुक लोकोमोशन से नहीं है। एक पॉइंट और, इन बॉडी इट हेल्प इन मूवमेंट ऑफ मटेरियल, इन ऑर्गन मूवमेंट ऑफ मटेरियल, इन ऑर्गन ऑफ बॉडी। ऐसे तीसरी मसल का नाम है कार्डियक मसल, कार्डियक मसल, उसे को हार्ट मसल भी कहते हैं। बट कार्डियक मसल का एक पॉइंट सबको पता रहता है, फाउंड इन द हार्ट। स्ट्रक्चर कई लोग को पता ही नहीं होता कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए,
तो इसका स्ट्रक्चर इन दोनों से डिफरेंट होता है। अगर हम आपको थोड़ा सा फील कराएं कि सर इसका डायग्राम होना कैसा चाहिए था, तो सर ये ऐसा होना चाहिए। मैं पूरी कार्डियक मसल नहीं बना रहा हूं, बट महसूस करिए कि ताकि हम दोनों को डिफरेंशिएट कर सकें, लाइक दिस। और एक और बड़ी विचित्र चीज पाई जाती है जो वहां कहीं नहीं पाई गई थी। यस, अगर आप देखें तो आप कह सकते हैं यूनि न्यूक्लियेट बट ब्रांच्ड। हमने कई मसल जोड़ दी है, अगर मैं सिर्फ एक मसल बनाता ना तो ये ऐसी बनती लुक, एक मसल सेल बनाता तो ऐसी बनती। यूनि न्यूक्लियेट तो है लेकिन ब्रांच्ड है, ये मल्टी न्यूक्लियेट अनब्रांच्ड, यूनि न्यूक्लियेट अनब्रांच्ड, ये मल्टी न्यूक्लियेट नहीं है, है यूनि न्यूक्लियेट लेकिन ब्रांच्ड। लेकिन सर खास बात क्या है, इसे तो हम लिख सकते हैं इसे यूनि न्यूक्लियेट लेकिन ब्रांच। इसमें एक नया नाम आपको दिख रहा होगा, ये जो रेड कलर का बना रखा है इसे हम लोग कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। इसी का दूसरा नाम कहलाता है बूस्टर रिंग, बूस्टर रिंग। ये एक्चुअली कैल्शियम चैनल्स होते हैं। अब इसे फायदा पहले समझ ले तब आपको ये याद हो पाएगा। नॉर्मली क्या होता है कि जब ऐसे नोट पढ़ेंगे या पढ़ा होगा आपने, हार्ट में होता है इंपल्सेस यही जनरेट करता है। मान लीजिए इसने जनरेट किया तो वो चाहता है कि सर वो जो इंपल्सेस हैं वो जल्द से जल्द सभी कार्डियक मसल में चले जाए, बहुत जल्दी से जल्दी चले जाए, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। इसलिए उसने क्या कर रखा, जहां जहां जंक्शन है वहां कैल्शियम चैनल बना रखा है, बिना इसके कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, ताकि जल्दी से जल्दी सभी मसल सेल में कैल्शियम का लेवल उठ जाए। कैल्शियम का लेवल जब तक ज्यादा नहीं होगा, उठेगा नहीं एक लेवल से ज्यादा, तब तक कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। और हार्ट ये हमेशा कोशिश करता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट हो तो पूरा एट्रिया एक साथ हो, यही तो चाहते हैं। ऐसा थोड़ी ना चाहते हैं कि भैया लेफ्ट एट्रिया पहले हो जाए, राइट कहे कि नहीं तुम कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ थोड़ा हम आराम से होंगे, नहीं होता होगा। एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो दोनों एक साथ होगा, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो दोनों एक साथ होगा। तो एक साथ होने के लिए स्टिमुलस पूरे एट्रिया को एक साथ मिलना चाहिए कि नहीं, और जबकि स्टिमुलस तो आप याद करिए ऐसे नोट तो यहां कहीं होता है, तो जिस समय इंपल्सेस यहां पर पहुंचे उतनी ही तुरंत आप यहां भी पहुंचा पाए ना। तो इसके लिए कुदरत ने कुछ बूस्टर रिंग बनाए, बूस्ट का मतलब होता है सहारा देने वाले। तो जो प्रक्रिया भाई ट्रांसफर तो होगा ही मैसेज, लेकिन जल्दी से ट्रांसफर हो जाए ताकि पूरा एट्रिया एक साथ अपने फंक्शन को कर सके। ये नाम है इंटरकैलेटेड डिस्क का। तो इसके करेक्टरिस्टिक फीचर, हालांकि आप इसे अवॉइड भी कर सकते थे, लेकिन वो पॉइंट बाद देर सवेर आता कि पूरा एट्रिया एक साथ कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। सर स्मूथ मसल में तो ऐसा नहीं होता कि स्टोमक कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है, इलियम कहता है हम बैठे हुए हैं खाना आएगा तब करेंगे, जबकि एक साथ ही तो जुड़ा हुआ है सब। मान लो यहां शुरू हो, यहां से लेकर रेक्टम तक सब कॉन्ट्रैक्ट करने लगे तो तुरंत सोचो क्या हो जाएगा, नहीं करता है सर। जिस समय इलियम कॉन्ट्रैक्ट करता है उसमें कोलन भी कहता है ठीक है हमारे में आएगा तो करेंगे, जबकि जुड़े तो सब एक जैसे हैं। अगर इंटरकलेटेड डिस्क यहां होती तब तो फिर दिक्कत होती, खाते और फिर खाने के बाद तुरंत या खाने के दौरान ही आपको तुरंत जाना पड़ता उस जगह को छोड़ के। लेकिन यहां पर ये जरूरत है हमको, पूरे एट्रिया को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करना जरूरी था, इससे इंटरकलेटेड डिस्क इज इंपॉर्टेंट। पॉइंट इज लोकेटेड इन द वॉल ऑफ हार्ट, located in the wall of heart, location हो गई। Next, uninucleate and branched, uninucleate and branched,
नेक्स्ट इंटरकनेक्टेड बाई कैरेक्टरिस्टिक इंटरकैलेटेड डिस्क या बोले बूस्टर रिंग फॉर रैपिड इंपल्स ट्रांसमिशन ठीक इनका रेगुलेशन बता सकते हैं कैसा होता है इनवॉलेंट्री यस यानी फंक्शनली दे आर वेरी सिमिलर टू द विसरल मसल की तरह है लेकिन इनका स्ट्रक्चर जानते हैं कैसा होगा अगर हम इनके स्ट्रक्चर को देखें यू विल सी देयर इज अ डार्क एंड लाइट बैंड यहां पे डार्क और लाइट बैंड नजर आएगा ऐसे जैसे आप यहां पढ़ा करते हैं यानी ये ऐसी मसल होती है जो स्ट्रक्चर में तो इसके समान होती है लेकिन फंक्शन में उसके समान होती है और इस सवाल को लोग पूछते हैं क्योंकि वो मेडिकल वाले कई बच्चों को गधा समझते हैं कहते हैं कि सर उस मसल का नाम इंसान में बताइए जो स्ट्रक्चर में तो स्केलेटल मसल की तरह है और फंक्शन में स्मूथ मसल की तरह है अबे जब तीन ही प्रकार की होती हैं तो तीसरी प्रकार ही तो होगी लेकिन वो भी कॉन्फिडेंस से पूछता है कि देखें कितने बड़े गधे हैं हम और फिर भी कई लोग इसको याद करते हैं ऐसे भैया कार्डियक मसल एक ऐसी मसल होती है जो स्ट्रक्चर में इसके समान होती है फंक्शन में उसके समान होती है आप गैस करके देखिए सर चीजों को अगर आप नहीं समझेंगे ना तो वो आज नहीं परेशानी होगी तो कल होगी अगर आप पढ़ाई छोड़ देंगे तो परेशानी खत्म हो जाएगी नहीं तो वो समस्या बनी रहेगी क्योंकि आप तो दूसरा सब्जेक्ट तो अब भी नहीं कर पाओगे चाहे बीएससी करो या एमबीबीएस करो या कुछ और करो रहोगे इसी सब्जेक्ट के आसपास और वो सब्जेक्ट तो लोगे नहीं जिसमें आप बहुत मेहनत कर रहे हो तो जाहिर बात है कि वो समझते चलिए ताकि कभी भी इसका इस्तेमाल हो तो आपकी अप्रोच अच्छी बनी रहे तो फिर एक्सप्लोर आप उसी को कर पाओगे समझेंगे नहीं तो बुनियादी तौर पे कमजोर हो जाएंगे पॉइंट लिख लें आप स्ट्रक्चरली सिमिलर टू स्केलेटल मसल due to presence of dark band and light band. But functionally similar. To the स्मूथ मसल्स या विसरल जो कहें आप ड्यू टू इनवॉलेंट्री नेचर एक और बात जो बचपन से सिखाई गई कि कार्डियक मसल बिना थके हुए पूरे जीवन भर काम करती रहती हैं तो कभी नहीं थकती हैं हम ये अभी नहीं बताएंगे क्यों नहीं थकती हैं मुझे दो लेक्चर और लगेंगे तब हम आपको अपने आप बता देंगे क्यों नहीं थकती जब मैं आपको रिफ्रैक्टरी पीरियड नाम का एक टर्म पढ़ा दूंगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा तो अभी आप गुणगान करते रहिए कि सर कभी नहीं थकती बिना थके हुए काम करती है पॉइंट जोड़ दीजिए नेवर फटीग इन द लाइफ टाइम बस ये पूरी हो गई बात तो हमने ये देखा कि हमारे पास तीन प्रकार के जो मसल्स उनकी आउटलाइन डिफरेंसेस हैं क्या तो सर ये मल्टी न्यूक्लिएट अनब्रांच्ड वो यूनि न्यूक्लिएट लेकिन अनब्रांच्ड और कार्डियक मसल में आपने कहा यूनि न्यूक्लिएट लेकिन ब्रांच ये स्ट्राइप्ड पैटर्न है वहां स्मूथ पैटर्न है और कार्डियक में स्ट्राइप्ड पैटर्न है ये वॉलेंट्री है और वो दोनों मसल्स इनवॉलेंट्री है तीनों की लोकेशन अलग अलग
इसको थोड़ा उन्होंने एक्सटेंड किया क्योंकि यही हमें पढ़ना है. इट्स ओके.